एशिया कप 2018 में हांगकांग के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी? पाकिस्तान की जानिब से कौन से वो ऐसे 11 खिलाड़ी होंगे जो पाकिस्तान की जानिब से खेलेंगे? इसके साथ हांगकांग की प्लेइंग 11 क्या होगी? दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आप इस वीडियो में जान सकेंगे और इसके साथ साथ आपको इस मैच की कन्फर्म हतमी टाइमिंग के मुतालिक बताया जाएगा। अगर आप इस मैच से मुतालिक इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले दोनों टीमों के ओपनिंग बैट्समैन की बात करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक और फखर जमान ओपनिंग करेंगे, जबकि हांगकांग की जानिब से निजाकत खान और अशमर रात ओपनिंग करेंगे। देखने में तो यही लगता है कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी हांगकांग की ओपनिंग जोड़ी से कई गुना ज्यादा बेहतर है, लेकिन क्रिकेट का कोई पता नहीं होता। निजाकत खान और अशमर रात की इतनी सलाहियत है कि अगर चल गए तो लंबा स्कोर कर सकते हैं। निजाकत खान अग्रेसिव प्लेयर हैं, तेज खेलते हैं फखर जमान की तरह और अशमर रात आहिस्ता खेलते हैं इमामुल हक की तरह। अगर दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से नंबर 3 पर बाबर आजम होंगे, नंबर 4 पर सरफराज अहमद को आना चाहिए, नंबर 5 पर शोएब मलिक होंगे और हांगकांग की बात की जाए तो नंबर 3 पर बाबर हयात होंगे, नंबर 4 पर किंचित शाह होंगे, नंबर 5 पर क्रिस्टोफर कार्टर होंगे। अगर बात की जाए बाबर हयात की तो बाबर हयात भी इतने कमजोर बैट्समैन नहीं हैं, इनमें इतना टैलेंट है कि ये लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। ये हांगकांग के सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। अगर दोनों टीमों के लोअर ऑर्डर बैट्समैन की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से नंबर 6 पर आसिफ अली होंगे, 7 पर शादाब खान होंगे, नंबर 8 पर मोहम्मद नवाज या जुनेद खान, दोनों में से किसी एक को खिलाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस मोहम्मद नवाज के हैं। अगर हांगकांग की बात की जाए तो नंबर 6 पर एहसान खान होंगे, जो कि ऑलराउंडर हैं, अग्रेसिव हिटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, बाज़ुकात बॉलिंग अच्छी करते हैं और समटाइम बॉलिंग बुरी करते हैं। नंबर 7 पर अजीज खान होंगे, ये भी ऑलराउंडर हैं। नंबर 8 पर स्कॉट मैकचाइन होंगे। अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से नंबर 10 पर हसन अली होंगे और नंबर 11 पर मोहम्मद आमिर होंगे, जबकि हांगकांग की जानिब से नंबर 10 पर एहसान नवाज होंगे और नंबर 11 पर खतरनाक स्पिनर नदीम अहमद होंगे, जिन्होंने एशिया कप क्वालिफायर में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, विकेटें ली हैं, रन भी नहीं दिए। ये ओवरऑल अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेटें भी लेते हैं और रन भी नहीं देते। अलबत्ता इन्होंने अभी तक जो बॉलिंग की है वो छोटी टीमों के खिलाफ की है, छोटी टीमों के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन बड़ी टीम के खिलाफ कैसी बॉलिंग करते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब इस मैच के शेड्यूल और टाइमिंग की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान एशिया कप का दूसरा मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान ये मैच 16 सितंबर 2018 को इतवार के दिन खेला जाएगा। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा और इसके साथ साथ सऊदी अरब ये मैच दोपहर 2:30 बजे, UAE में दोपहर 3:30 बजे और इंडिया में 5 बजे शुरू होगा। सब्सक्राइब कीजिए सैयद मोहम्मद कासिम यूट्यूब चैनल को, फिर बेल बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।